बिहार में आज हमारे नेता है राहुल गांधी जी, हाँ और जहां भी मेरे नेता राहुल जी गए हैं मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के ताल कदम मिलाते हुए उनके साथ चला हूँ। चाहे गर्मी हो बरसात हो, मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाए मैं अपनी सेवा को, संघर्ष को जारी रखूंगा। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उस यात्रा में भी हमने अपना योगदान दिया और सरू यात्रा हमने साथ शुरू से और आखिर तक हम रहे। पहले मेरे हाथ में हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी का झंडा होता था, लेकिन ये यात्रा पार्टी के न होते हुए हिंदुस्तान के नागरिकों की यात्रा बनी और इस यात्रा को देश के तिरंगे के नीचे पूरा किया गया, देश की जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके सामने ये मेरा दर्द। और राहुल जी कहते हैं कि मेरी यात्रा कोई बड़ा बात नहीं है, देश का दर्द सबसे बड़ा दर्द है। ये केवल मीडिया की देन है, मीडिया में सरकार का पैसा, देश की जनता का पैसा झोंक जा रहा है कि किसी तरीके से मोदी की छवि को बरकरार यूं ही बनाए रखा जाए। हिंदुस्तान के कोने कोने से देश के महान नेता इस पर विचार कर रहे हैं और इस मंथन में शाम का इंतजार कीजिए, अमृत निकलने जा रहा है। और मैं मानता हूँ इस अमृत में मंथन है के, इस अमृत में हमारे पार्टी के नेता, देश के सर्वमान्य नेता राहुल जी का नाम सामने आएगा और उसको सामने लेके हम देश का प्रधानमंत्री कैंडिडेट। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा। देखिए, विपक्षी एकता का बैठक चल रहा है, पूरा शरीर पे जो है ये जो कपड़ा है इसमें प्रिंट कर रखे हैं राहुल गांधी का फोटो है। क्या नाम है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके नाम से। भाई जी, मेरा नाम पंडित दिनेश शर्मा है। हाँ, कहाँ से है पंडित जी? मैं हरियाणा से हूँ भाई साहब। हरियाणा से है जी सर। बिहार में क्या कर रहे हैं? बिहार में आज हमारे नेता है राहुल गांधी जी। हाँ। और जहाँ भी मेरे नेता राहुल जी गए हैं मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के ताल कदम मिलाते हुए उनके साथ चला हूँ। ये यात्रा मेरी 12 साल से चल रही है, जहाँ भी राहुल जी गए हैं मैं साथ रहा हूँ और बिना चप्पल के इस चोला में झंडे, बिना चप्पल के। हाँ जी, चाहे गर्मी हो बरसात हो। मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाए मैं अपनी सेवा को, संघर्ष को जारी रखूंगा। और उस यात्रा के अंतराल में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उस यात्रा में भी हमने अपना योगदान दिया और सरू यात्रा हमने साथ शुरू से और आखिर तक हम रहे। पहले मेरे हाथ में हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी का झंडा होता था, लेकिन ये यात्रा पार्टी के न होते हुए हिंदुस्तान के नागरिकों की यात्रा बनी और इस यात्रा को देश के तिरंगे के नीचे पूरा किया गया। उसी दिन मैंने देश का तिरंगा अपने हाथ में थामा। क्या हाथ में तिरंगा है, पार्टी का झंडा क्यों नहीं लेकर घूम रहे? पहले मेरे साथ पार्टी का झंडा होता था, लेकिन इस वक्त राहुल जी मेरी नजर में पार्टी से बड़े नेता हो गए हैं। हाँ, देश के सर्वमान्य नेता हो गए हैं। उसी दिन से मैंने हिंदुस्तान के तिरंगा को इस यात्रा में लिया है। तिरंगा खोल कर बिल्कुल भाई साहब देख सकते हैं, यहाँ पे राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा में भी ये शामिल रहे थे और तिरंगा को लहराते हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब किसी पार्टी के नेता नहीं है लेकिन देश के बड़े नेता हो गए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बिना चप्पल के हैं, लगातार घूम रहे हैं आप, भारत जोड़ो यात्रा में भी घूम रहे थे, तो दर्द वर्द नहीं हो रहा था? इस वक्त देश की जनता पे जो दर्द है, हाँ, जो तानाशाही, जो सोच जो देश की जनता को प्रताड़ित कर रही है, हाँ, किसान हो, बेरोजगार युवा हो, माताएं बहने हो, वो तो कह रहे हैं मोदी जी के 9 साल बेमिसाल है, आप कह रहे हैं कि दर्द हो रहा है लोगों के को। कहने से बेमिसाल नहीं होता, हाँ, देश की हकीकत को समझना होगा, हाँ, और देश की जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, हाँ, उसके सामने मेरा दर्द। और राहुल जी कहते हैं कि मेरी यात्रा कोई बड़ा बात नहीं है, देश का दर्द सबसे बड़ा दर्द है। राहुल गांधी देश के सर्वमान्य नेता है आप कह रहे हैं? मैं तो कह ही रहा हूँ, मेरे अलावा पूरा हिंदुस्तान अब कह रहा है। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी हैं देश के सर्वमान्य नेता, विदेशों में डंका बज रहा है। लोग नहीं कह रहे, हाँ। लोग अगर कह रहे होते, हाँ, तो कर्नाटक में मोहब्बत का गुलदस्ता नहीं खिलता, हाँ। लोग अगर कह रहे हो इस यात्रा के अंतराल में हिमाचल में मोहब्बत की दुकान नहीं खुलती, लोग अगर कह रहे होते तो इनको इतना बुरा दिन नहीं देखने पड़ते जो आज ये खेल कर रहे हैं। ये केवल मीडिया की देन है, मीडिया में सरकार का पैसा, देश की जनता का पैसा झोंक जा रहा है कि किसी तरीके से मोदी की छवि को बरकरार यूं ही बनाए रखा जाए। 24 में कौन बनेगा पीएम, नीतीश कुमार या ममता बनर्जी? आज ये मंथन चल रहा है कि जो इस वक्त देश पे सोच लागू की जा रही है प्रताड़ित करने की, लोगों को परेशान करने की, आपकी सोच को दूसरी सोच से लड़ाने की, धर्म से धर्म को लड़ाने की, उस सोच को हमें कैसे सामना करना है, उसका कैसे हमें उसको कमजोर करके हराना है, आज वो मंथन चल रहा है।
हिंदुस्तान के कोने कोने से देश के महान नेता इस पर विचार कर रहे हैं और इस मंथन में शाम का इंतजार कीजिए, अमृत निकलने जा रहा है। और मैं मानता हूँ इस अमृत में मंथन है के, इस अमृत में हमारी पार्टी का नेता, देश के सर्वमान्य नेता राहुल जी का नाम सामने आएगा और उसको सामने लेके हम देश का प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल जी हूँ। बिल्कुल सत्य वचन। नीतीश कुमार का क्या? वक्त का इंतजार कीजिए, आपके सामने महागठबंधन के जो अभी ये मंथन चल रहा है उसमें पूरे नेता इसमें माहौल लगाएंगे। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तमाम पार्टी है कांग्रेस के विरुद्ध राजनीति शुरू करती है, कांग्रेस के विरुद्ध सरकार लाती है, कांग्रेस का सफाया करके राज्यों में सरकार बनाती है और आज उन्हीं के साथ बैठना पड़ रहा है आपके नेता को? हमारी राजनीतिक लड़ाई अलग हो लेकिन विचारधारा की लड़ाई हमारी एक है। और जब इसमें राजनीतिक लड़ाई या विचारधारा की लड़ाई, अब इस वक्त विचारधारा की लड़ाई हो गई है, एक विचार से दूसरे विचार के साथ लड़ा जा रहा है। उस विचार को हम कैसे कमजोर करें, कैसे हराए, अब मंथन इस बात पे हो रहा है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको नजर आएगा। चलिए ठीक है, देख सकते हैं किस प्रकार जो है तमाम लोग हैं, तमाम पार्टी के समर्थक यहाँ पे खड़े हैं और सभी लोग शाम का इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि शाम के इंतजार के बाद किस नेता का नाम फाइनल हो पाता है या फिर सब कुछ सस्पेंस ही रह जाता है। बहुत धन्यवाद। इन तमाम मुद्दों पर आप क्या खुश होते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।